गुड मॉर्निंग क्लास सिविल सेकेंड ईयर, वेलकम टू RIT ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने जो हमारा चैप्टर चल रहा था आघूर्ण, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं, तो उसका नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है बलयुग्म, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कपल। तो दो बराबर और विपरीत दिशा समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा पृथक पृथक हो, कपल बनाते हैं। ये तो इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास दो बल हैं वो अलग अलग दिशा में हैं, तो वो अनलाइक भी हैं और पैरेलल फोर्सेस भी हैं, मतलब कि आपस में समांतर भी हैं और अनलाइक भी हैं, तो जिनकी क्रिया रेखाएं भी विभिन्न होंगी। अब देखिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होगा, तो उनका परिणाम ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता है। ऐसे दो बलों को एक अकेले बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता है। इन फोर्सेस को एक मतलब टू फोर्सेस को एक फोर्स के साथ नहीं इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक दिशा में इनका परिणाम बल शून्य हो जाएगा। मतलब अलग अलग दिशा में है तो उनका जो रिजल्टेंट जो परिणामी बल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार के बलों का जोड़ एक क्या बनता है, कपल बनता है। कपल को हिंदी में कहते हैं बलयुग्म। तो परिणामी शून्य होने के कारण यह बलयुग्म किसी प्रकार का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है, तो बल्कि पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब ये इससे इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि दो बराबर और विपरीत दिशा में जो समांतर बल लग रहे हैं तो उनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग है, तो ये एक बलयुग्म बनाते हैं, मतलब कि कपल बनाते हैं। तो नीचे मैंने डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि दो फोर्सेस हैं पी और पी, ठीक है, तो अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं और एक लेकिन आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं, ठीक है, तो इनको क्या कहा, ये क्या बनाएगा, एक कपल बना देंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है बलयुग्म की भुजा, आर्म्स ऑफ कपल। तो ये होती है बलयुग्म के बलों की क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी को बलयुग्म की भुजा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी आर्म्स कहलाएगी, ठीक, ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा इन्होंने अलग वे में कह दिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज इक्वल टू द आर्म ऑफ फोर्सेस। इसको हमने कैपिटल स्मॉल एक्स से डिनोट करा है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है कि अफेक्ट ऑफ अ कपल क्या होते हैं, कि मतलब कि बलयुग्म के क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं। तो अब आप जैसे पता ही चल रहा होगा कि जो बलयुग्म है वो क्या करेगा, अगर देखिए दोनों दिशाओं में लग रहा है, तो किसी भी बॉडी में अगर ये चीज़ लगेगी एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उससे बॉडी में रोटेशन आएगा, ठीक है, घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो जब कपल कोई है वो घूमने की प्रवृत्ति करता है, तो आपका क्या हो सकता है, अब वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज तरीके से घुमाएगा, अगर किसी भी चीज़ को घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज तरीके से, और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है उसी चीज़ को। अगर वो दो फोर्सेस हैं वो किसी एक बॉडी को घुमा रहे हैं, तो वो क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। तो आपके ये समझ में आ गया कि इसके अफेक्ट क्या होंगे, अफेक्ट ये होंगे कि बॉडी घूमेगी। अब बॉडी घूमेगी कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपने कॉमन एग्जांपल इसके देख लेंगे कि बलयुग्म के उदाहरण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों की जो डेली लाइफ में चल रहा है, जैसे कि हम किसी नट बोल्ट कसते हैं या खोलते हैं या कसते हैं, टाइटनिंग और लूजिंग अ नट, तो ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। दूसरा है मूविंग द पैडल्स ऑफ अ बाईसाइकिल, मतलब कि आपने किसी साइकिल के आपके पहिए चलाने के लिए क्या होता है कि उसके पैडल मारने पड़ते हैं, तो पैडल का चलना भी क्या है, एक कपल है। तीसरा एग्जांपल है वाइंडिंग अ वॉच विद अ की, मतलब कि हम कोई घड़ी की या क्लॉक की हम लोग सुई को, मतलब उससे की से हम जैसे चाबी भरना कहते हैं ना, घड़ियों में चाबी भरना, वो तो वो क्या कहलाएगा, इसका एक एग्जांपल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो अभी के लिए आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का,
वह है मूवमेंट ऑफ अ कपल, बलयुग्म का आघूर्ण। आपने मूवमेंट तो पढ़ लिया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ अ कपल हो जाएगा वो हो जाएगा बल इनटू बलयुग्म की भुजा, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी कोई, तो कितना फोर्सेस लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है जैसे ऊपर वाले उसमें देख रहे हैं, और बलयुग्म की भुजा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर हम पी इंटू एक्स कर देंगे, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मूवमेंट ऑफ अ कपल निकल जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।